हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हमने देख लिया ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे, जहां पे हम कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, जहां पे आपको एक साथ तीनों एक्टिविटी बनाना होगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। उससे पहले एक बड़ा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर तीन चीजें आती है आपकी, एक आता है कैश, दूसरा बैंक और तीसरा करंट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन ये बनता है कि मैं इसको यहाँ क्यों लिख रहा हूँ कि हम कैश एंड कैश में जो कैश बैंक और ये, इसको मैं अलग से क्यों बता रहा हूँ। तो ये अलग से इसलिए बता रहा हूँ कि ये तीन चीजें ऐसी हैं जो किसी भी एक्टिविटी के अंदर नहीं जाती, ना ही ये ऑपरेटिंग में जाएगा, ना ही ये इन्वेस्टिंग में जाएगा और ना ही ये फाइनेंसिंग में जाएगा। कहाँ जाएगा, अभी लॉन्ग क्वेश्चन आप देख लोगे कि कहाँ पे इसको भेजना है। तो देखो, एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इसलिए मैंने पहले फॉर्मेट बना रखा है, ये ऑपरेटिंग का फॉर्मेट है, ऑपरेटिंग बन गया, इन्वेस्टिंग बन गया, फाइनेंसिंग बन गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, पेज नंबर 5.110, क्वेश्चन नंबर 46, बैलेंस शीट है 33,70,000 और दूसरी बैलेंस शीट है 27,40,000। देखिए क्वेश्चन को, तो देखो इसमें दो एडजस्टमेंट्स है। पहला है 1,12,000 डिवेंचर्स वर इशू ऑन 1 अप्रैल 2017, मतलब जो 1,00,000 के डिवेंचर हमने इशू करे वो साल के शुरुआत में करे, क्या रोल होगा इसका देखेंगे। तो डिवेंचर के ऊपर एक एडजस्टमेंट आपकी। दूसरा लिखा है कि एक मशीनरी है जिसकी कॉस्टिंग 80,000, एक्युमुलेटेड डेट है, उसको बेचा है हमने। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सेकंड एडजस्टमेंट मशीन के ऊपर है और मशीन देखो नोट नंबर 5 में दिया, मशीन के साथ साथ एक्युमुलेटेड डेट, तो यानी मशीन पे आपका ग्रॉस एसेट्स मेथड लगेगा। यहां तक बात क्लियर है? यस। स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले डिवेंचर है, तो देखो डिवेंचर आपका है ना फाइनेंसिंग में आता है डिवेंचर। देखो अगर देखो ध्यान से, डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 2 में 4,00,000 से 5,00,000 हो रहा है, यानी 1,00,000 का डिवेंचर है। तो बढ़ गया, तो यहाँ प्लस हो जाएगा इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर 1,00,000 प्लस हो जाएगा। आप लोगों को पीछे क्वेश्चन नहीं मिला क्या? मिल गया। तो डिवेंचर 1,00,000 बढ़ गया, प्लस हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं सर। अब आते हैं इसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पे, ध्यान से देखना इस बात को, क्योंकि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में ही गलतियां होती है। देखो शुरुआत की डेट है इसकी 31 मार्च 2017 और ये अंडर डेट है 31 मार्च 2018। स्टार्टिंग में जो डिवेंचर है 4,00,000 का है और एंड पे कितना है 5,00,000। तो जैसे मैंने आपको फाइनेंसिंग में बताया था, अगर आपको कुछ बताया नहीं होता है तो हम ओपनिंग वैल्यू पे इंटरेस्ट देते हैं, जब कुछ ना बताओ, लेकिन यहाँ तो बोल रखा है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो लिखा है कि जो 1,00,000 के एडिशनल डिवेंचर इशू हुए वो 1 अप्रैल 2017 को हो रहे हैं, यानी साल के शुरू में हो रहे हैं। तो एक बात समझो खुद ही, अगर देखो ये 4,00,000 के डिवेंचर पे तो आपको पूरे साल के इंटरेस्ट देना ही था, और 1,00,000 के जो इशू है वो भी साल के शुरू में ही हो गए, यानी आपको जो इंटरेस्ट देना होगा वो 5,00,000 के डिवेंचर पे देना होगा। इसमें किसी को डाउट है? नहीं सर। और इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 12%, यानी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 60,000। इसमें किसी को डाउट? नो। यार पॉइंट जरूर आएगा, एग्जाम में आता तो इसमें गलतियां करते बच्चे डेट के कैलकुलेशन में। तो डेट अगर दिया है तो उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना। वो मेरा फाइनेंसिंग आपको बहुत अच्छे से बताया था कि हो सकता है वो बिगनिंग हो, मिडिल हो या एंड हो। कोई डाउट है इंटरेस्ट वाले कैलकुलेशन में कि 5,00,000 पे क्यों हुआ? नहीं सर। क्लियर पॉइंट? यस। अब इसको आपको भेजना है। तो देखो इंटरेस्ट आपको याद होगा, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग से एक तो माइनस होता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो 60,000 हमने यहाँ से माइनस कर दिया। यस सर। और दूसरा ये आपके आ जाएगा ऑपरेटिंग का, आपको याद होगा तो इंटरेस्ट इस सेकंड वाले हेड में आता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 60,000। कोई डाउट पहले एडजस्टमेंट में? नहीं सर। पहला एडजस्टमेंट हो गया आपका क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट के लिए वर्किंग ग्रुप बनाते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट है मशीनरी के ऊपर और ये जो मेथड लग रहा है वो लग रहा है आपका ग्रॉस एसेट्स मेथड लग रहा है। तो ग्रॉस एसेट्स मेथड से अकाउंट बनाते हैं, एक तो बनेगा आपका मशीनरी का अकाउंट, और दूसरा बनेगा आपका एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखो मशीन का बैलेंस अगर देखो आप, तो वर्किंग नोट में देखो मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 20,00,000 रुपीज, 26, क्लोजिंग बैलेंस है 26,00,000 और डेप्रिसिएशन का जो ओपनिंग बैलेंस है 1,00,000, ओपनिंग बैलेंस आपका 1,00,000 रुपीस,
और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है? 2 लाख। कोई दिक्कत नहीं अंदर? बैलेंस लिख दिया हमने. अब देखो अगर एडजस्टमेंट देखो लिखा है पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 accumulated DAP 40,000 was sold at a gain of 10,000. तो देखो साफ साफ लिखा है 80 की चीज से 40 का डाप लग गया तो 40 की बची और उसका 10,000 का प्रॉफिट बेच रहे हो यानी 50 में बेचा होगा आपने. तो देखो आपके यहाँ तो बेचने में तीन चीज आती है, एक तो आता है डेप्रिसिएशन, फोर्टी थाउजेंड का डाप हो गया बाय बैंक सेल, और सेल आता है और प्रॉफिट उस साइड, तो सेल हो गया 50,000. कोई डाउट किसी को इसमें? नो. और प्रॉफिट इस तरफ आ जाएगा आपका 10,000 का प्रॉफिट हो गया. और आपके यहाँ तो ये जो डेप्रिसिएशन है दूसरी जगह मशीनरी यहाँ भी आती है डेप्रिसिएशन 40,000. ये आपका सेकंड वाला जस्टिस है, किसी को डाउट है? क्लियर पॉइंट आप जोड़ लो उसको. देखो 2690 तो ये घटा देंगे तो 680 आ गया. और ये आपका निकल गया तो बैंक परचेज, परचेज यहाँ से जोड़ दो. देखो 240 यहाँ से 140 निकल गया आपका बाय डेप्रिसिएशन और ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन. अब देखो अगर मैं भेजने की बात करूँ जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जब हम रिकॉल कर लेते उसको जब मैंने आपको क्रॉस एसेट मेथड पढ़ाया था, परचेज आपका इन्वेस्टिंग से माइनस कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट आपका ऑपरेटिंग से माइनस, सेल आपका इन्वेस्टिंग में प्लस, तो पहले अकाउंट से तीन चीजें आती है और ये जो डेप्रिसिएशन है ये ऑपरेटिंग में प्लस. इसके अलावा तो कुछ ज्यादा नहीं है. नहीं बस आप इसको भेज देना. तो आप इसको भेज देते हैं. तो देखो परचेज है 680, परचेज और सेल है 50, इन्वेस्टिंग में आएगा, इन्वेस्टिंग भेज देते हैं माइनस परचेज ऑफ मशीनरी प्लस सेल ऑफ मशीनरी. तो परचेज कितना था? 86 और सेल था 50 सेल था. याद होगा दिक्कत. अब और देखो क्या था इसमें, कहाँ गया अकाउंट? ये रहा, ये दो का. देखो प्रॉफिट है 10,000 का और डेप्रिसिएशन 150 का, ये दोनों ऑपरेटिंग में जाएंगे. डेप्रिसिएशन याद आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितनी? डेप्रिसिएशन 140 और प्रॉफिट याद आएगा, यानी प्रॉफिट या आप लिख सकते हो गेन 10,000 ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000 माइनस का है तो माइनस में जाएगा आपका. याद होगा परेशानी? नो. ये आपके देखो दोनों एडजस्टमेंट खत्म हो गए. कोई डाउट है? एक प्रोविजन फॉर टैक्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी मैं ऐसे ही बता दूंगा. बाकी इसका हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, इसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. इस क्वेश्चन में सिर्फ छोटा सा है तो मैं बता दूंगा, फिर याद रखेगा. बाकी हम डिटेल में जाएंगे इसके अगले लेक्चर में. तो देखो आपका दोनों एडजस्टमेंट खत्म हो गया और तो कुछ है नहीं. अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में क्या करके भेजना है वो पुराना काम है करके. देखो सबसे पहला शेयर कैपिटल, देखो शेयर आपका 2 लाख बढ़ रहा है. शेयर आता आपके किसमें? फाइनेंसिंग में. बढ़ गया तो आप क्या लिखोगे? इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख. इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख रुपीज. कोई डाउट? नो सर. उसके बाद देखो रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर फर्स्ट. रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट था और प्रॉफिट आता आपके ऑपरेटिंग में. ऑपरेटिंग याद आएगा नेट प्रॉफिट. तो देखो ये आपका 3 से 6 यानी 3 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा. कोई दिक्कत? नो सर. उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट नंबर 2. लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर डिवेंचर्स है, ये हम कर चुके ऑलरेडी. उसके बाद है देखो आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग, नोट नंबर 3. तो इसमें आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है. आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि बैंक ओवरड्राफ्ट है तो करंट लायबिलिटीज, बट हम इसको दिखाते हैं फाइनेंसिंग में. ये छोटे छोटे कीवर्ड है जहां पे बच्चे गलतियां करते हैं. याद रहता हमारे दिमाग में यही कि करंट लायबिलिटीज ऑपरेटिंग, बट याद रखना बैंक ओवरड्राफ्ट एक फंड का सोर्स है, तो है वो करंट लायबिलिटीज बट उसको शो किया जाता है फाइनेंसिंग में. तो इसको हम फाइनेंसिंग में भेज देंगे. यार भाई ऐसी गलतियां मत करना. तो बैंक ओवरड्राफ्ट देखो क्या हो रहा है आपका, तो ये 5,000 कम हो गया है ना, कम हो गया तो माइनस कर देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, तो 5,000 हो गया आपका माइनस. तो परेशानी नहीं. उसके बाद देखो अगला है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और नोट नंबर 4 में देखो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है. देखो अभी इसका एक अकाउंट भी बनता है, वो भी हमने नहीं सीखा है. अगले लेक्चर में हम उसके बारे में कवर अप कर लेंगे कि अकाउंट में बनता है तो क्या क्या चीजें आती है और कैसे कब बनाया जाता है अकाउंट, कब नहीं बनाया जाता अकाउंट. फिलहाल अभी आपके क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही है, ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू दी हुई है. इससे पहले याद करो हमने जब स्टेटमेंट और पेनर वाला क्वेश्चन देखा था वहां पे सिर्फ एक सिंगल वैल्यू थी. तो जब सिंगल वैल्यू थी तो आप क्या करते थे, आप उसी को यहाँ ऊपर प्लस करते थे और यहाँ लास्ट से इनकम टैक्स पे करके माइनस कर देते थे. एक सिंगल वैल्यू थी तो
पर अब आपके पास दो वैल्यू है, तो आपको याद होगा यहाँ पे जो प्रोविजन फॉर टैक्स आता कौन से ईयर का आता था? प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का आता था, ठीक। प्रीवियस ईयर का सिर्फ प्रपोज डिविडेंड आता है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो आपका था कौन से ईयर? करंट ईयर का। और देखो करंट ईयर का कितना दे रखा प्रोविजन फॉर टैक्स? 2 लाख रुपीज है ना, तो 2 लाख यहाँ लिख देंगे, और जो प्रीवियस ईयर वाला है उसको आप पे करोगे तो लास्ट से माइनस कर दोगे इनकम टैक्स पेड। कितना अमाउंट है? 165। ठीक है, तो फिलहाल हमने सिर्फ इतना देखा कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिया गया है तो क्लोजिंग वाला टॉप पे प्लस और ओपनिंग वाला लास्ट से माइनस। बाकी डिटेल्स में हम इसको समझेंगे, अगला लेक्चर हमारा यही है जिसमें हम डिटेल में प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में जानेंगे। फिलहाल के लिए अभी इसके लिए इतना ही है। ये पॉइंट क्लियर है? यस। अब आगे बढ़ते जरा थोड़ा सा। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद अब देखो आपका है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट नंबर 5 मशीनरी और एक्युमुलेटेड हो चुका है। हो चुका। उसके बाद है आपका नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट नोट नंबर 6 गुडविल। देखो क्या हो रही है, घट रही है, ऑपरेटिंग में आएगा, घटेगा तो ऑपरेटिंग, ध्यान रखना इस बात को भी। गुडविल अगर घटती है तो ऑपरेटिंग, और अगर बढ़ती है तो इन्वेस्टिंग। बढ़ने का मतलब परचेज, घटने का मतलब डेप्रिसिएशन। यहां भी गलतियां करते हैं बच्चे। तो ये देखो आपका कितना घट गया, ये हो गया आपका घट गया 3 लाख से 2 लाख, यानी 1 लाख रुपए घट गया, 1 लाख प्लस हो गया, कोई दिक्कत? नो। उसके बाद है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, 1 लाख बढ़ रहा है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ने का मतलब परचेज होगा। अगर आप अकाउंट बनाने की सोचोगे तो अगर आप अकाउंट बनाओगे देखो क्या लिखोगे आप, वैसे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, मैंने संधा ही रखा आपको, फिर भी अगर आप बनाना चाहो तो देखो 2 लाख यहाँ लिखोगे, 3 लाख यहाँ लिखोगे, तो इस साइड बच रहा है, तो क्या निकलेगा आपका? परचेज। और परचेज यहाँ से माइनस होता है, माइनस परचेज ऑफ क्या नाम है इसका, इन्वेस्टमेंट। तो 1 लाख रुपए हो गया माइनस। कोई परेशानी आता? नो। इसके बाद आपका करंट इन्वेस्टमेंट, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि करंट इन्वेस्टमेंट अगर आएगा तो आपको किसी भी एक्टिविटी में नहीं भेजना है, कहां भेजते हैं हम देख लेंगे, इसको छोड़ देते हैं। यहां तो कोई दिक्कत है तो बताओ किसी को? नो सर। उसके बाद आपका इन्वेंटरीज, देखो इन्वेंटरीज क्या हो रही, बढ़ रही है, और इन्वेंटरीज बढ़ती है तो क्या करते हैं, करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस होता है। तो देखो कितना बढ़ गया, 130 बढ़ गया ना, 130 से 260 हो गया, तो 130 बढ़ गया, 130 माइनस 230। उसके बाद आपका है देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो उसको हम बाद में लिखेंगे। सारे पॉइंट्स हो गए? यस सर। अब हम एक एक करके स्टार्टिंग से टोटलिंग करनी है। तो देखो हम स्टार्टिंग टोटल करते, देखो पहला कितना हो गया, 5 लाख। ये देखो जरा इसको जोड़ते, 60 प्लस 140 प्लस 1 लाख, ये 3 लाख हो गया, गुडविल माइनस की, और ये 10,000 रुपए माइनस हो गया, या तो ठीक है या तो परेशानी। तो देखो ये 5 × 3 = 8 सर, 7,90,000 माइनस 10, 7,90 आ गया, तो नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आ गया 7,90,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो 790 माइनस 130 माइनस 165, तो ऑपरेटिंग आ गया 495। तो 495 पॉजिटिव आ रहा है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, तो पॉजिटिव आया तो लिखेंगे इसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आपका समझो पहला पॉइंट है, ए निकला। अब यहां से देखो दूसरा पॉइंट निकलेगा, यस सर। तो देखो कितना है, 680 माइनस का, 1 लाख माइनस का, और 50,000 प्लस का, 7 लाख, तो नेगेटिव आ रहा है 730। तो नेगेटिव आया कैश फ्लो, कैश यूज्ड इन, पूरा लिख लेना, आई से इन्वेस्टिंग, ए से एक्टिविटी। यस सर। तो इन्वेस्टिंग का आ गया माइनस एक्टिविटी का, तो ये आपका समझो बी पॉइंट हो गया। अब आता है तीसरा और आखिरी सी पॉइंट। तो देखो 1,00,000 माइनस 60 प्लस 2 लाख माइनस 5,000 235 आ गया पॉजिटिव। क्या हो गया तुम बोलो? 235 आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग आ गया। यस सर। अब आपको देखो क्या करना है, इसके बाद आपको याद होगा जब मैंने आपको कराया था स्टार्टिंग में नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज, जब ध्यान से देख लो बात को, इसको जो करा रहा हूँ देखो ऑपरेटिंग का आंसर ये आपका है ना, ऑपरेटिंग आपका ये निकला है 495, इन्वेस्टिंग आपका ये निकला माइनस का, यस सर, 730, और आपका फाइनेंसिंग जो आया था देखो ये 235 आया था, यही लिख देते पहला, यहाँ पे देखो पहला था आपका 495 पॉजिटिव, ये ऑपरेटिंग का आंसर है ना 495। इन्वेस्टिंग जो था आपका 730,
सही से लिख लेते हैं। ऑपरेटिंग है आपका पॉजिटिव 495, इन्वेस्टिंग है आपका नेगेटिव 730, और आपका जो फाइनेंस को टोटल कर दें 495 प्लस 235 माइनस 730। देखो अगर हम इनको आपस में प्लस करते हैं नील आ रहा है, मतलब नेट कैश फ्लो क्या हुआ? जीरो। नील। नेट कैश इंक्रीज क्या है आपका? जीरो है। कैसे निकाला आपने? ये ए प्लस बी प्लस सी, जो नहीं कि जीरो वो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 10,000, 20,000, 50,000। कैश और कैश इक्विवेलेंट का जो आपने माइनस और प्लस का मुझे बताया था, आएगा इसके बाद आएगा, हां वो सुन रहा हूं। याद है ठीक है, आपने क्या किया? ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग निकाला, तीनों की वैल्यू को टोटल किया, आपकी वैल्यू आई। ये अगर पॉजिटिव आती तो हम लिखते हैं नेट कैश इंक्रीज, अगर माइनस में आएगा तो लिखेंगे नेट कैश डिक्रीज। डिक्रीज याद है, क्लियर है जी। अब इसमें हम प्लस करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो बराबर आना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब देखो आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है कैसे नहीं पता चलेगा, तो देखो जब आपके पास दो चीजें हैं तो दोनों को देखना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो देखो ओपनिंग में क्या क्या है, दो चीजें देखो, 170 आपका करंट इन्वेस्टमेंट है और 40 ही है, तो कितना हो गया ओपनिंग 210। ओपनिंग 210। अब जब इसमें हम इसको ऐड करेंगे ना तो क्लोजिंग के बराबर आना चाहिए, यहाँ तो नील है तो क्लोजिंग में इतना ही होगा। देख लो क्लोजिंग का जोड़ के देखो, क्लोजिंग पे क्या क्या है, क्लोजिंग पे देखो 140 का आपका करंट इन्वेस्टमेंट है और 670 का कैश और बैंक है, देखो 210। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका नील है इसलिए ओपनिंग क्लोजिंग बराबर है, लेकिन अगर नील नहीं होता तो कुछ और होता। तो याद रखने एक बात को, जो नेट कैश इंक्रीज आएगा उसमें अगर आप ओपनिंग को जोड़ोगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, क्लोजिंग के। तो अगर क्लोजिंग के इक्वल है तो मतलब ये प्लस ये दोनों मिला के अगर इसके इक्वल है तो आपने क्वेश्चन को ठीक करा होगा, वरना गलत है। तो ये लास्ट के स्टेप्स है, क्लियर है? तो क्या क्या करना है आपको, पहले आप फॉर्मेट बना लोगे, ऑपरेटिंग हो गया आपका, ऑनलाइन लेवल से स्क्रीनशॉट लेना इसका। सर अगर हम कैश और कैश इक्विवेलेंट प्लस और माइनस ना करें और ऐसे छोड़ दें, हाँ तो नंबर कट जाएंगे एक और, क्या अच्छा है, 5 मिलेंगे। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, तो ये आपका ऑपरेटिंग हो गया, पहला पेज स्क्रीनशॉट लेना, फिर ये हो गया दूसरा पेज, ये ऑपरेटिंग खत्म, ऑपरेटिंग का आंसर ये आया, फिर इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग का, फिर फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग, तीनों एक्टिविटी हो गई, सी मेंशन कर दो, हां तीनों एक्टिविटी हो गई। फिर हमने क्या करा, तीनों को जोड़ा, जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी तो नेट कैश इंक्रीज लिखना है, नेगेटिव आएगी तो डिक्रीज लिखना है। उसके बाद हम उसमें प्लस करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो किसके इक्वल आना चाहिए, क्लोजिंग। ये आपका थर्ड पेज है, ये आपका सेकंड पेज था, ये थर्ड स्क्रीनशॉट ले लो, ये फोर्थ पेज वर्किंग नोट है डिबेंचर के लिए, यार अपना इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को थोड़ा सा, और ये आपका आखिरी पेज है मशीनरी और उसके डाप का अकाउंट बनाएगी, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर खत्म होता है, लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, तो आपको बस क्वेश्चन करो, एक प्रोविजन फॉर टैक्स वाले टॉपिक है उसका एक लेक्चर बना दो, इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स में कब अकाउंट बनता है कब नहीं बनता है। ठीक है, आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऑल द बेस्ट, आपके एग्जाम आने वाले 2 महीने में, एंड एकदम एंड में हैप्पी न्यू ईयर सबको।